तो भाई साहब का अगर कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे वर्क नहीं किया, आपने पबजी के अंदर वीपीएन भी लगा के यूज़ कर लिया है एंड अदर चीज़ें भी कर ली है, लेकिन आपका कोई भी चीज़ मतलब लगा के चलो कि भाई कोई भी आपका सोल्यूशन वर्क किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आईडी प्रॉपरली लॉगिन हो चुका है, ब्लू स्टैक 5 है ये बिल्कुल अभी अभी। तो इसका सिंपल सा क्या सोल्यूशन है गाइज, आप लोग को क्या करना है कि अपने जो ब्लू स्टैक आपको जो भी है आपका पूरा अपना सेटिंग में जाके उसको पूरा अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाना है, अनइंस्टॉल कर देना है इधर से पूरा का पूरा ब्लू स्टैक 5 को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। एंड मैं आप लोग को ब्लू स्टैक का वेबसाइट का जो रियल है वो लिंक दे रहा हूँ, एंड आपको सिर्फ 32 बिट ही इंस्टॉल करना है उसके अंदर, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, BLUESTACKS, आप लोग यहाँ पे जाओगे, ये डॉट को मत लगाना इसके आगे वरना ये प्रॉपर वेबसाइट खुल जाएगा इसका। ब्लू स्टैक्स आप लोग डालोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड ब्लू स्टैक पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को पूरे जितने भी वर्जन होंगे ब्लू स्टैक के सारे वर्जन यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे कि भाई कितने वर्जन है। तो आपको करना है नोगट 32 बिट डाउनलोड, ये आपको पीसी आपका पीसी चाहे 64 बिट का हो लेकिन आपको 32 करना है, एंड आप डाउनलोड करोगे सबका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो गाइज मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि भाई आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो या सेटिंग के अंदर जाके अपना जो आपका एयरटेल वगैरह है उसको चेंज कर सकते हो, अगर उससे भी आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो आप ये वाला सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो। मैंने जस्ट अभी ये वाला सोल्यूशन ट्राई किया है एंड बिल्कुल 100% वर्क कर चुका है मेरा नोगट 32 बिट। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि आप लोग, भाई मैंने अभी अभी जस्ट मैं ही डाउनलोड किया था, ये रहा मेरा अभी अभी मैंने डाउनलोड किया, एंड डाउनलोड करके सिंपली आप लोग को इंस्टॉल करना है एंड आपका यहाँ पे पबजी लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हो आप मेरा बिल्कुल प्रॉपरली लॉगिन हो चुका है, मैंने अभी रिसोर्सेज पैक डाउनलोड नहीं किए है इसलिए थोड़ा लैग चल रहा है ये। तो आप लोग यहाँ से अपना रिसोर्सेज जो भी आपको डाउनलोड करना है वो कर सकते हो, एंड आपको आपका पबजी बिल्कुल BGMI बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा आपके पीसी के अंदर, ब्लू स्टैक के अंदर कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आए तो गाइस लाइक कर दो। आपको सिंपली क्या करना है, स्टेप 1 है कि आपको पबजी पूरा डिलीट करना है अपने पीसी के अंदर से, BGMI पूरा डिलीट कर देना है, ब्लू स्टैक हटा देना है, एंड वापस से रीइंस्टॉल करना है, एंड आपका प्रॉपरली लॉगिन हो जाएगा बिल्कुल नए तरीके से। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।